जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज एमसीसी की साइट पर नीट 2022 के काउंसलिंग की डेट आ गई और मैंने आज एक मैसेज भी डाला अपने बच्चों को, थैंक यू सो मच बच्चों, कि आप सबकी मेहनत ने जो हमारा मिशन था 2022 का 500 उसको कंप्लीट किया। मेरे प्यारे बच्चों, 2019 में 50+, 2020 में 100+, 2021 में 300+, 2022 में 500+, ये पूरा आपको रिजल्ट टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। बच्चों का वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मिशन पॉसिबल हुआ जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन था टेस्ट सीरीज और एसआरबी बैच का। मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना बड़ा मिशन पूरा हुआ तो हम लोग 2023 के लिए अब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, और ये मिशन बनाने से पहले सोचा आपसे बात कर ली जाए, अपनी टीम से बात कर ली जाए, अपने बच्चों को देख लिया जाए। अभी हम लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे, लेकिन अब टाइम आ गया 2023 का। प्यारे बच्चों, तो दिस इज बिगेस्ट न्यूज, जरा देखिए कैसा रहेगा बायोलॉजी के लिए नीट 2023 और 2024 के लिए। हर बार बच्चों कुछ ना कुछ सीखता हूं आप सबके साथ, आप सबसे बात करके और अपने इतने लंबे अनुभव के साथ साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जब नीट का पेपर होता है तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम पहले कर लिया जाए तो फिर नीट तक ये हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आपका ये जो सब्जेक्ट है और जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन में 600+ अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और उसके लिए 300 से ज्यादा जितना हम लोग स्कोर कर लेते हैं बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रेशर उतना कम हो जाता है। तो बच्चों, मेरी हमेशा आदत रही है कि पुराने पेपर को देखना, कहां से सवाल आया है, कौन कौन से पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैपिड फायर रिवीजन के साथ साथ एक चीज और ऐड करने जा रहे हैं, और आप सबसे ये कहेंगे कि जरा ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा ये कैसा रहेगा, उससे हमें बहुत ज्यादा बल मिलेगा ताकि सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हॉट स्पॉट पेज एनसीईआरटी 11th पेज 84। अब आप कहेंगे सर 11th एनसीईआरटी क्यों, तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया न्यू लाइट की, जिसका पूरा शेड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बच्चों ये देखिए, जो पेज नंबर 84 है एनाटॉमी में, अगले टेस्ट से हम लोग का एनाटॉमी और बायो मॉलिक्यूल आ रहा है। इसमें बच्चों ये स्प्रिंग वुड, आटम वुड, हार्ट वुड, सैप वुड, कार्क कैडमियम से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए। तो जरा देखिए बच्चों, हमने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए कितना अच्छा तैयार किया है, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। इसमें बच्चों हमने सबसे पहले एनसीईआरटी के वो पेजेस ले लिए हैं जहां जहां सवाल पूछे गए, जैसे देखिए स्प्रिंग वुड, आटम वुड 2013, 2019। इसी तरह से बच्चों फिर देखिए हार्ट वुड, सैप वुड 2010, 2017, 2020। इसी तरह से बच्चों कार कैम्बियम 2015, 2021, 2021, दो बार। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या किया है कि ये सब पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, रैपिड फायर रिवीजन के साथ साथ एडिशनल पॉइंट हो रहा है, और इसके बाद ये आए हुए सारे सवाल जो है ये आपको हम दे देंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या ये सवाल पूछे गए, और इनको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट 2022 में स्टेटमेंट, रीजन, एसेसमेंट के सवाल भी आए हैं, तो उसको भी फ्रेम करके ऐड करेंगे। तो एनसीईआरटी के वो सारे पेजेस को हमने कट कर लिए हैं, एक साथ कर लिए हैं, जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे गए जो हॉट स्पॉट है, और उसके बाद क्या सवाल पूछे गए उसके नीचे बच्चों हमने लगा दिया है, और इसको बहुत आराम से एक्सप्लेन करेंगे। ये मत सोचना है हम केवल रैपिड फायर ही कराते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे, इसका भी आनंद लेना। तो इस तरह के बच्चों लाइव सेशन आपके लिए हम अरेंज करेंगे। तो मतलब जो टेस्ट में आ रहा है उसके 4-5 लाइव सेशन में क्लास होंगे, और उसके बाद फिर रैपिड फायर होगा। और बिल्कुल बच्चों विश्वास करिएगा कि आप स्कोर बहुत अच्छा करेंगे नीट 2023 और 24 में, जो 23 में देने जा रहे हैं वो, जो 24 में देने जा रहे हैं वो, और जो बच्चे 2024 में भी अपीयर होने जा रहे हैं उनको भी कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास का भरपूर आनंद उठाइए। तो बच्चों हम लोग यूट्यूब पर बहुत नए हैं, ऑफलाइन में बहुत पुराने थे, अगर आपके कुछ लोग जानते हो तो उनको पता होगा। कोरोना पेंडेमिक में बच्चों हम लोग यूट्यूब पर आए, लेकिन आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला कि आपने धीरे 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 लोकल से इस चैनल को नेशनल लेवल का बनाते जा रहे हैं, फॉर दैट थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी की वो लाइन, उनका एक्सप्लेनेशन, साथ में आए हुए सवाल, स्टेटमेंट रीजन की प्रैक्टिस, स्टेटमेंट की प्रैक्टिस, रीजन एसेसमेंट की प्रैक्टिस, ये सब कैसा रहेगा इसको जरा देखिए,
और इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह का लाइव सेशन लिया जाए कि नहीं, लेकिन उसको अटेंड जरूर करिएगा। और ये टाइमिंग बच्चों, दिन में आपकी क्लासेस होती, इवनिंग में हम लोग रखे हैं 9 बजे, तो वीक में 3 दिन पूरे शेड्यूल के साथ ये क्लास होगी। लेकिन उसके पहले जिसको क्लास करना है उसको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा लग रहा है। तो बच्चों एक बहुत स्मार्ट वर्क होगा और बिल्कुल विश्वास करिएगा कि बायो की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। एक चीज जरूर कहेंगे बच्चों कि जहां भी पढ़िए पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए, और इस चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो एक बच्चों 2022 के शानदार रिजल्ट के बाद जब मैंने बच्चों को विश किया तो मेरे दिमाग में टेंशन आया, ये तो हो गया, अब 2023 में क्या होगा। तो आपसे बात करेंगे, आपके कमेंट देखेंगे और फिर 2023 का मिशन बनाएंगे। तो बच्चों जो भी मैं मिशन बनाता हूं पूरा करता हूं, चाहे 85 से 90 की बात हो, चाहे 90 से 2000 की बात हो, चाहे 2010 से 2000 से 2010 की बात हो, हमेशा बच्चों ने मिशन को पूरा किया। तो 2023 के लिए मेरा मिशन क्या होगा, ये आपके कमेंट के बाद, आपको जानने के बाद, आपके कंसंट्रेशन के बाद, और अपने यहां जो बच्चे क्लासरूम में उनसे काम बात करने के बाद, एसरीज में जो बच्चे उनसे बात करने के बाद, मैं 2023 का मिशन भी बनाऊंगा और 2023 का मिशन भी पूरा होगा। और निश्चित रूप से बच्चों 2023 का मिशन 2022 से बहुत ऊपर होगा, क्योंकि बहुत जगह टेस्ट सेंटर हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अप्रोच भी कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने तो अपना मिशन बना लिया, आप मेरे मिशन को पूरा करने के लिए आप कितना साथ देंगे ये बताइएगा, और खास तौर से ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, इस तरह से रिवीजन कैसा होगा ये भी बताइएगा। तो एनसीईआरटी को हमने काटा है, जो जो इंपॉर्टेंट पेज है उनको एक साथ जोड़ा है, उसमें जो सवाल आए हैं उनको भी दे दिया है, और बदलते हुए समय के हिसाब से स्टेटमेंट और रीजन रिसर्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके कमेंट का वेट जरूर करेंगे, जितना कमेंट आएगा उसी के हिसाब से बच्चों ये लाइव क्लास होगी, और इस लाइव एक लाइव क्लास बच्चों होगी शाम को 9 बजे। हफ्ते में 2 या 3 दिन पूरा शेड्यूल कल बना के दे देंगे अगर आपके कमेंट आ जाते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, और मेरी तरफ से आशीर्वाद है आपकी नीट जर्नी 2023 के लिए। अब आपके साथ जुटने जा रहे हैं बाकी बच्चे, तो 2022 में कॉलेज पाने जा रहे हैं। थैंक यू।